नमस्कार दोस्तों, मंजिलें और भी हैं। मैं आज मेरे मेहमान हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर जी हैं। मेरे माता पिताजी बहुत ही गरीब बैकग्राउंड के होने के बावजूद भी संघर्ष के साथ जिंदगी जीते थे। लेकिन बड़ी दिलचस्प बात है, जब मैंने मैट्रिक की तो मैं 9 किलोमीटर जाता था पैदल, 9 किलोमीटर आता था, 18 किलोमीटर का सफर होता था मेरा एक दिन का। फिर मैंने परिवार वालों के सामने एक विषय को कहा, मुझे कॉलेज जाना है। अच्छा, तो कॉलेज जाना है, ये कैसे सोच लिया आपने कि हम ऐसे हालात में है ही नहीं कि हम आपको भेज सकें। आप अकेले पहले मैट्रिक पास थे अपने? मैं अपने परिवार में। हाँ जी, हाँ जी। और कॉलेज कोई नहीं गया था? कॉलेज कोई नहीं गया था। आपके पिताजी का क्या रिएक्शन होता था कि आप तो स्टूडेंट लीडर बन गए, आपको तो पढ़ने को बोला था जी? वो बड़े दिलचस्प हुए, उनको पता नहीं लगा सारी चीज। घर में जब खबर जब ये पड़ी कि लड़का चला गया, जम्मू चला गया, तो तब गांव वाले रिश्तेदार सब के सब जो थू थू कर रहे हैं, ऐसे बोल रहे हैं कि लड़का भाग गया। मैं उन नेताओं में से नहीं हूँ जो उछल कूद करते हैं, बहुत कुछ दिखाने की कोशिश करते हैं। मुझसे पहले बहुत बड़े बड़े लोग मुख्यमंत्री रहे। मैं अपने आप को बड़ा नहीं मानता हूँ, मुख्यमंत्री हूँ, लेकिन बड़े लोगों को के संज्ञा में मैं अपने आप को डिफाइन नहीं करता हूँ। पहली बार मुख्यमंत्री बना, लेकिन हिमाचल के इतिहास में ऐसे इनिशिएटिव जो आज से पहले मिसिंग थे, छूटे थे, गरीब लोगों के लिए कुछ और बेहतर करना, तो वो सारी चीज़ों को लेकर के हमने हिमाचल प्रदेश में हमने की है। मेरा एक ही चीज़ को लेकर के कि मैं अच्छा करूं, बेहतर करूं, और आज जो किया है उसे और बेहतर करूं। आपके फेवरेट एक्टर कौन? अमिताभ बच्चन को मैंने बहुत पसंद किया। और हीरोइन कौन अच्छी लगती थी? रेखा और हेमा मालिनी। कुछ लोगों ने हमको कहा कि भाई यहाँ हिमाचल प्रदेश में एक बात है कि यहाँ बिना मूछ का आदमी मुख्यमंत्री बनता है। मैं भी सोचने लगा थोड़ी देर के लिए, मैं कही बोलते मुझे मुंडवाते बोलते। तरह से आपने टैगलाइन दी है, मंजिलें और भी हैं, तो ये स्वाभाविक रूप से सबको प्रेरणा देता है कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आज आपको नहीं हासिल हुई हैं, अगर परिश्रम करते रहेंगे तो निश्चित रूप से आप नई मंजिल को भी हासिल कर सकते हैं, बहुत बेहतर ढंग से काम कर सकते हैं। थैंक यू।